श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। धतूरे का बहुत अच्छा क्रम है महाराज। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, हर हर महादेव। आगे हम गुरु जी से धतूरे का एक बहुत ही विशेष उपाय सुनेंगे, तो वीडियो में अंत तक बने रहिए। वीडियो को अंत तक देखिए, तभी आपको उपाय पूरा समझ में आएगा। वीडियो शुरू करने से पहले हमेशा की तरह वीडियो को करें लाइक, और अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं, मेरी वीडियो पहली बार देख रहे हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी वाला बटन जरूर दबाएं। अगर आप गुरु जी को मानते हैं तो गुरु जी के जल्द स्वस्थ होने के लिए कमेंट में महादेव का एक जयकारा जरूर लगाएं। मैं भी महादेव से प्रार्थना करता हूं कि गुरुदेव जल्द स्वस्थ हों और जल्द हमारे बीच कथा करने के लिए आए। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। वो केवल शिवरात्रि के दिन करने का होता है। कहते हैं जिसका व्यापार ना चले, व्यवसाय ना चल रहा हो, बहुत ज्यादा कष्ट में जीवन निकल रहा हो और बहुत ही ज्यादा तकलीफ हो रही हो, तो धतूरे को हल्दी में डुबोकर शंकर भगवान को शिवरात्रि के दिन रात को 12 बजे समर्पित करें। उस धतूरे को वापस उठा लाएं 5-10 मिनट के बाद, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलकर लाल कपड़े में उसको बांध कर व्यापार वाली जगह में कहीं पर भी उसको बांध दिया जाए। व्यापार पीछे नहीं हटता, व्यापार अग्रण्य भाव में बढ़ता चले जाता है महाराज। उस धतूरे को केवल परंतु शिवरात्रि के दिन रात को 12 बजे ही किया जाए, हल्दी में डुबोना पड़ता है। आज का यह उपाय दुकान में ग्राहकी बढ़ाने के लिए था। गुरुजी ने बताया कि आज का जो उपाय है उसके लिए हमें शिवरात्रि के दिन रात्रि 12 बजे ही ये उपाय करना है, और किसी टाइम हम ये उपाय नहीं कर सकते। एक धतूरा लेकर उसको हल्दी के अंदर, पीसी हुई हल्दी के अंदर उसको भिगो लेना है। पहले तो पीसी हुई हल्दी का पेस्ट बनाकर उसमें पानी डालकर उसके अंदर धतूरे को भिगो लेना है। अच्छी तरह से हल्दी धतूरे के ऊपर लगानी है। हल्दी लगा हुआ धतूरा हमें शिवलिंग के ऊपर समर्पित करना है। उसके बाद कम से कम 15 मिनट 20 मिनट वहां बैठकर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप करते हुए महादेव से विनती करनी है कि हे महादेव, हमारी ये समस्या है। उस समस्या के बारे में महादेव को बताना है। 15-20 मिनट जाप करने के बाद उस धतूरे को उठाकर किसी लाल वस्त्र में लपेटकर अपनी दुकान में या अपने तिजोरी में या अपनी दुकान के गल्ले में उसको रख लेना है। इस उपाय के करने से अवश्य महादेव प्रसन्न होंगे और हमारी दुकान बहुत अच्छे तरीके से चलने लगेगी। आप सब जानते हैं कि मैं हमेशा गुरुजी पंडित प्रदीप जी मिश्रा द्वारा बताए हुए उपाय आपके लिए लेकर आता हूँ, और उपाय को अच्छी तरह से बताने की कोशिश भी करता हूँ। और हमेशा की तरह आज भी मैं आपसे कहना चाहूँगा कि अगर गुरुजी द्वारा बताए गए किसी भी उपाय से आप में से किसी को किसी भी प्रकार का अगर लाभ हुआ है, तो आप मुझे कमेंट करके अपने पूरे नाम के साथ जरूर बताएं, जिससे कि मैं अगले वीडियो के अंदर आपका कमेंट दिखा सकूं और दूसरे लोगों को भी पता लगे कि किस उपाय से क्या लाभ होता है। तो मैं उम्मीद करूंगा कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। आज के वीडियो में इतना ही। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।